दोस्तों, मैंने आज अपना नाम लिखा है हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी, यानी इंग्लिश में, जो कि है विद्या। लेकिन आज हम मेरा नाम लिखना नहीं सीखने वाले, बल्कि यहाँ मेरे नाम में एक चीज ढूंढने वाले हैं। हम पता लगाने वाले हैं कि मेरे नाम के कौन से अक्षर सीधी रेखाओं से लिखे जा सकते हैं। Which letters of my name can be written using straight lines? तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हिंदी वाला जो मेरा नाम है, यानी हिंदी में जब मैंने अपने नाम को लिखा, तो इसमें कौन से अक्षर जो है वो सीधी रेखा से लिखे जा सकते हैं। क्या ये व जो है विद्या का, वो सीधे लाइन से लिखा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन जो ये ध्य है विद्या का, क्या ये सीधी लाइन से लिखा जा सकता है? एक सीधी लाइन तो जरूर है इसमें, लेकिन बाकी यहाँ मुड़ी हुई रेखाएं भी हैं, तो यह सिर्फ और सिर्फ सीधी रेखा से नहीं लिखा जा सकता। तो हिंदी में मेरा नाम तो सिर्फ सीधी रेखाओं से जो है नहीं लिखा जा सकता, पर कोई भी जो उसका अक्षर है वो सीधी रेखा से नहीं लिखा जा सकता, उसके लिए मुड़ी हुई रेखाओं का भी इस्तेमाल होगा। अब जरा मेरे नाम को अंग्रेजी में देखते हैं और देखते हैं कि इंग्लिश में मेरे नाम के कोई अक्षर क्या सीधी रेखाओं से लिखे जा सकते हैं, यानी स्ट्रेट लाइन से कोई लेटर लिखा जा सकता है। सबसे पहले देखते हैं कि क्या वी जो है वो लिखा जा सकता है स्ट्रेट लाइन से। चलिए कोशिश करते हैं। तो मैंने एक सीधी रेखा ऐसे टेढ़ी रखी, तो ये बन गई एक टेढ़ी रेखा, और एक टेढ़ी रेखा बिल्कुल यहाँ, तो यह तो वी बन गया। अब देखते हैं क्या आई बन पाता है। बिल्कुल, यह तो एक सीधी खड़ी रेखा है, तो यह स्ट्रेट स्टैंडिंग लाइन जो है यह आई बन गया, तो आई भी लिखा जा सकता है किससे, स्ट्रेट लाइन से। अब अगला लेटर जो है मेरे नाम में वो है डी। तो डी में एक लाइन तो सीधी है, लेकिन आगे का जो हिस्सा है वो तो मुड़ा हुआ है, तो यह अक्षर तो नहीं लिखा जा सकता स्ट्रेट लाइन से। अब अगला लेटर है एच। क्या एच लिखा जा सकता है सीधी लाइनों से, सीधी रेखाओं से? कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैंने एक स्टैंडिंग लाइन खींची, उसके बाद एक और स्टैंडिंग लाइन और एक स्लीपिंग लाइन, यानी दो खड़ी रेखाओं और एक लेटी हुई रेखा से बन गया एच। अब अगला लेटर क्या है? अगला लेटर है वाई। क्या वाई बन सकता है सीधी रेखाओं से? चलिए एक कोशिश करते हैं। मैंने एक टेढ़ी रेखा खींची और साइड में एक और टेढ़ी रेखा, ये तो एक वी भी बन चुका है, लेकिन हमें इसे वाई बनाना है, तो हम इसके नीचे एक सीधी रेखा खींच देंगे और यह बन गया हमारा वाई। अब अंत में सबसे आखिरी लेटर बचा है ए। ए बन सकता है क्या स्ट्रेट लाइन से? अगर हम एक उल्टा वी बना दे तो, यह एक टेढ़ी लाइन और एक और टेढ़ी लाइन, यह तो उल्टा वी बन गया, और बीच में हम इसके खींच दें एक लेटी हुई रेखा, यानी कि स्लीपिंग लाइन। इन सारी सीधी लाइनों से मिलकर ए भी बन चुका है। तो हमने देखा क्या, हमने देखा कि मेरे नाम में हिंदी की स्पेलिंग में तो कोई भी अक्षर जो है वो सिर्फ और सिर्फ सीधी लाइनों से नहीं बन सकता, लेकिन अंग्रेजी में जब मैं अपना नाम लिखती हूँ, यानी इंग्लिश में, तो यह लेटर्स जो हैं वो स्ट्रेट लाइन से बन सकते हैं। तो अब आप कोशिश करिएगा अपने नाम को लिखने की और यह पता करने की कि आपके नाम के कौन से अक्षर सीधी रेखाओं से लिखे जा सकते हैं। Which letters of your name can be written with straight lines?